मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सबको पहले इतला दी गई थी कि दौरान तातीलात ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा, लिहाजा लॉकडाउन होने की वजह से दोबारा डिजिटल क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सके। लेक्चर नंबर एक का आगाज़ मैं इस उम्मीद के साथ करती हूँ कि आप बड़ी दिलचस्पी से सारा लेक्चर सुनेंगे और अपनी कॉपी में सारा काम मुकम्मल करेंगे। आज का उन्वान है हमारा साबके और लाहिके और तौसीफ़ का ख्वाब। तौसीफ़ का ख्वाब का काम हमारा पिछला काम है। जिन बच्चों ने ये काम मुकम्मल नहीं किया है, पहले वो काम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद साबके और लाहिके का टाइटल बनाकर साबके और लाहिके का काम मुकम्मल करेंगे। सबक तौसीफ़ का ख्वाब का काम मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। अगले सफ़र पर आप मकसद तदरीस की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इस सबक को पढ़ने का मकसद ये जानना है कि दूसरों के साथ किए गए सलूक और हमदर्दी का सिला अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं और इससे हमें खुशी हासिल होती है और अल्लाह भी खुश होते हैं। इसके बाद मरकज़ ख्याल की हेडिंग डालेंगे, मरकज़ ख्याल लिखेंगे, सबक तौसीफ़ का ख्वाब का मरकज़ ख्याल ये है कि हम ये जान सकें कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना दूसरों की मदद करके की जा सकती है और अल्लाह की राह में तामीर किए गए मसाजिद व मदारिस की भी इतनी ही अहमियत है जितना कि किसी इंसान की परेशानी में उसके काम आना। इससे सवाब भी मिलता है और दूसरों की मदद भी हो जाती है और अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाती है। इसके बाद आप तारुफ़ मुसन्निफ़ लिखेंगे जो कि आपकी किताब सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद है। अल्फाज मायने करेंगे सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है और उसके मायने सफ़ा नंबर 181 पर मौजूद है। अल्फाज मायने करने के बाद खुलासा करेंगे, पूरे सबक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसको मुख्तसर अंदाज में अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। मुहावरात करेंगे सफ़ा नंबर 21 से, उसके मायने तलाश करके जुमले बनाने हैं। उसके बाद तफसीली सवाल जवाब सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है, 1 से लेकर 6 तक। इन तमाम सवालों के जवाब आपको किताब में मिल जाएंगे। तमाम सवालों के सवालात के जवाब कॉपी में तहरीर करना है। यहाँ आपका तौसीफ़ का ख्वाब का काम मुकम्मल हो जाएगा। आप सबसे पहले साबके और लाइके का टाइटल बनाएंगे, उसके बाद अगले सफ़े पर साबके की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है, उस अलामत को साबका कहते हैं। मिसाल है, अदब से बेअदब, समझ से ना समझ। इन मिसालों में बे और ना साबके हैं, तो आपको बड़ी तवज्जो से इस चीज़ को समझना है और कॉपी में बहुत ही अच्छी सी खुशगती के साथ लिखना है। इसी तरह आप लाहिका की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर इससे नया लफ्ज़ बना लिया जाता है तो उसे लाहिका कहते हैं। मिसाल के तौर पर, दौलत से दौलतमंद, खौफ से खौफनाक। इन मिसालों में मंद और नाक लाहिके हैं, यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर कोई लफ्ज़ लगाया जाता है या कोई अलामत लगाई जाती है तो उस अलामत को लाहिका कहते हैं। अगले सफ़े पर हम साबके और लाहिके की मशक करेंगे। आप सवाल लिखेंगे, दर्ज ज़ेल साबकों से 5-5 अल्फाज बनाकर कॉपी में तहरीर करें। यहाँ पर साबके आपको दिए गए हैं, खुश, हम, ना। इन तीनों के आप 5-5 साबके बनाएंगे, जैसे खुश का खुशगवार, हम का हम जमात, ना का नामुकम्मल। इसी तरह आप 5-5 अल्फाज बनाएंगे और अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। इसी तरह हम लाहिके की मशक करेंगे। सवाल लिखेंगे अगले सफ़े पर, दर्ज ज़ेल लाहिकों से 5-5 अल्फाज बनाकर कॉपी में तहरीर करें। यहाँ पर लाहिके दिए गए हैं, गर, वर, दार। इसी तरह आप 5 अल्फाज बनाएंगे गर के, जिस तरह कारीगर वर का बन जाता है, पेशावर दार का बन सकता है, दुकानदार।
इस तरह आप 5-5 अल्फाज अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये तमाम काम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये सारा काम आपको अपनी इसी कॉपी में करना है जिस कॉपी पर आप अभी काम करते आ रहे थे। सबसे आखिरी काम हमारा हुआ था तौसीफ का ख्वाब। आप पहले वो काम मुकम्मल करेंगे और उसके आगे कवायद की हेडिंग डालकर ये तमाम काम मुकम्मल करेंगे। ये सारा काम मुकम्मल करने के लिए आपको इसकी इंडेक्स भी मुकम्मल करनी है और जिस तारीख को ये वीडियो अपलोड हुई है उसी दिन की तारीख आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगले लेक्चर नंबर 2 तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। आप सबकी दुआओं मिस कौसर।